आप लोगों को भी अगर देखना हो ना ऑटो एक्सपो में जाके, लाइक कन्वर्टेबल गाड़ियां और कन्वर्टेबल सब। भाई ये देख रहे, ये देखो तुम कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है ये भाई। देखना ये, आप बताओ मुझे कितनी पुरानी होगी ये। दिस इज जावा भाई, आई फाउंड अ मोरनी। भाई इसका फ्यूचर सेट है, इसको ऑटो एक्सपो में आके इसका भविष्य मिला है। रुड़की आ गए क्या हम? तभी मजा आएगा ना भाई, डेली प्लस ट्रैवल जब हम खींच के निकालेंगे तो। अभी तो हमारा स्टार्टिंग फेज बूस्ट। राहुल, मैं जा रहा हूँ नोएडा ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो जाने का ना मन है, मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा, और मेरे को देखना है क्या चीज, कौन सी गाड़ी किस तरीके से होती है। एंड अभी ऑटो एक्सपो जाने का सीन ऐसा है कि या तो आप टिकट लेके चले जाओ या फिर आप, तो हम जा रहे हैं। आप देखना यहाँ पे दिल्ली में एक बहुत खूबसूरत जगह है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। दिस इज सो ब्यूटीफुल, आप अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। ऑटो एक्सपो का सीन ऐसा है, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैंने ट्रेड फेयर बहुत बार देखा, ऑटो एक्सपो कभी नहीं देखा। एंड मेरे लेट होने का रीजन सिर्फ ये आंटी है, इन आंटी ने लेट करवाया है। नो, मैंने नहीं करवाया। पेरी नो। दूसरा लेट होने का रीजन ये है, जा ही नहीं रहा है। मोटे क्यों नहीं जा रहा, जल्दी बता, मैं लेट हो रहा हूँ। क्योंकि ये है बंधुआ मजदूर, इसकी दिहाड़ी चल रही है और ये छोड़ नहीं सकता है ना। उसका उसका घर देखियो कहाँ पे है, यादव वाली। स्टे कनेक्टेड, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। चीता फैम लव अ लॉट, मतलब जितनी मोहब्बत, मोहब्बत भाई, मोहब्बत दिल से मोहब्बत भाई। एंड भाई अपना चीता बेबी, चीता कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, बेहतरीन लौंडा तैयार हो चुका है ये। हम लोग गाड़ी से जा सकते थे लेकिन फिर हमारा मन नहीं किया। वॉच दिस भाई, बोलते हैं हम नमस्कार करते हैं। तो भाई अपन जा रहे हैं सीधा सीधा ऐसा गाजियाबाद टॉप के, जस्ट बिकॉज पेरिफेरल से जाएंगे, ऐसे जाएंगे काइंड ऑफ सेम ही चीज़ है, क्योंकि ना गाड़ी के लिए थोड़ा जाम वाम ज़्यादा रहता है। और पेरिफेरल पे मैंने ऐसा सुना है कि बाइक वाइक भाई बंद कर दी, मतलब ऐसा मैंने सुना है, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि चलान कट रहे हैं बाइक के। तो आपको अगर आइडिया हो तो मेरे को बताना ज़रा। मैंने ऐसा डेली व्लॉग कभी करता नहीं था, मैं हमेशा ही ट्रैवल व्लॉग करता था, बट अभी मैंने डेली व्लॉग को ना ऐसे समझ रहे हो, मतलब अपनी उसमें लाया है कहानी में जिंदगी की। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से अपने दिन को दिखाओ तो। टारगेट तो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग करने का ही रहता है, बकायद काटने का रहता है, हरकतें करने का रहता है। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा तो अपने आप को डेवलप करूँ, फिर डेली ब्लॉग में लाऊँ, फिर अपने आप को लेके जाऊँ, तभी मज़ा आएगा ना भाई, डेली प्लस ट्रैवल जब हम खींच के निकालेंगे। तो अभी तो हमारा स्टार्टिंग फेज बूस्ट। अभी भी लोगों को मज़ा तो आ रहा है, मेरे पास रिसेंटली एक कमेंट आया कि भैया आपके व्लॉग ना मैंने एक बार में सारे देख डाले, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे करके। भैया बहुत अच्छा लगता है भाई, आपके कमेंट आते हैं, यू आर द ओनली चीता ऑफ, समझ रहे हो, भारत के चीते हैं भाई हम लोग। भारत तभी ग्रो करेगा ना जब भारत में चीते होंगे हमारे जैसे। अरे मौज काट देंगे भाई, भाईचारा मतलब दिल से है। और मेरा मन है सोलो राइड मारने का, ट्रस्ट भी मैंने ज़िंदगी में कभी सोलो राइड नहीं मारी। आई डोंट नो मैं बोर होऊंगा, क्या होऊंगा, कैसे करेंगे, बट मेरा मन है सोलो राइड मारने का एक बार। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस बार सोलो राइड मारूँ, अगर कोई होगा अभी चलने के लिए, ऐसे बंदे कह तो रहे हैं, देखते हैं भाई मज़ा आएगा। नैनीताल, यो वी आर कमिंग। एंड भाई ये देखो, ये बंदे खड़े हो गए रोड के बीच में जाके, वहीं जाके रुक पाए ना ये, क्योंकि सबके चलान बजे तीनों के, स्कूटी वाले अंकल खड़े होकर देख रहे। हाँ बस हम भी यहीं खड़े होते सामने, हमारे चलान कट रहा होता। इस बार जो ऑटो एक्सपो है ना वो नोएडा की तरफ है, जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। मैं गलत तो नहीं आ गया, इसकी अम्मा की जय। इतना कांडी ट्रैफिक है ना, पता नहीं कौन सी गलियों में कहा गया, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सड़क पे। नहीं मानता भाई, नहीं मानता, हटा देगा सबको भाई, नहीं मानता भाई। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, बी द पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल चीता फैमिली। एंड हम ग्रो कर रहे हैं, बैंग ग्रो करेंगे यार आज के, नहीं हम लोग हिम्मत फुल पावर। एंड मेरे पास मैसेज आया इंस्टा पे कि या वी आर द चीता फैमिली एंड थैंक यू सो मच लीडर फॉर मेकिंग चीता फैमिली। आई वाज लाइक भाई आई एम नॉट द लीडर वाला भाई, भाई तो भाई अलग ही भाई। ये देखना परी चौक, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी परियाँ और झरने बने हुए हैं, बट द झरने एंड परियाँ आर स्टिल अलाइव। हेलो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये जा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा हाईवे। ये भाई सीन क्या है, हम ना भैया से बात कर रहे हैं, और क्यों बात कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ कितनी प्यारी सी मेट्रो है भाई, इस मेट्रो में तो मैं शायद ही कभी आया हूँ, मैं ना नोएडा वाली मेट्रो में नहीं बैठा, इधर वाली में। एंड सी हम यहाँ क्यों आए थे, दिस इज 2013 ऑटो एक्सपो इनविटेशन। और रे 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 रे, बहुत बढ़िया। मैंने सुपर कार के नाम पर मस्टैंग, पोर्शा, यही सब देखी होंगी, मैंने कोई लंबोर्गिनी भी नहीं देखी यार मैंने आज तक।
मतलब ऐसे देखिए चलती हुई, ऐसे कोई खड़ी हुई बिल्कुल पास से घूर घूर के खा खा के नहीं देखी। निकलवा दो सर। अरे यार भाई सही भीड़ हो रखी है, पुलिस वाले इतने हो रखे ना यहाँ पे भयंकर, एक के बाद एक पुलिस वाला रोकने में लगा है सबको। पार्किंग मनाली चले जाओ वहाँ भीड़, पहाड़ों पे चले जाओ वहाँ भीड़, यहाँ चले जाओ यहाँ भीड़, कहीं चले जाओ कहीं, क्या चल क्या रहा है, गिनती में नहीं है गाड़ियाँ। इससे अच्छा तो मैं यहीं बर्नआउट मार के इनकी पब्लिक यहीं दिखा दूँ सारे रिएक्शन ऑटो एक्सपो के। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रुड़की, ये कहाँ से यहाँ से आ गए इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की आ गए क्या हम? मैं तो वहाँ आया था नोएडा। हाँ ब्रांच खोल रखी है उसने। टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, यहाँ सबके सब ओपन में तो टिकट बेच रहे हैं। कल इतनी ठंड हो रही थी ना रात में, 3 डिग्री लास्ट टेम्परेचर जो मैंने काउंट किया था, 3 डिग्री था, अब गर्मी लग रही है। अभी दिन में गर्मी रात में ठंड, हद मच गई कल ठंड की। लोग ना चलते चलते हम ये डिसाइड करें अंदर जाए कौन सी गाड़ी बुक करें, तो आप बताओ कौन सी गाड़ी बुक करनी है। मैं तो सोच रहा हूँ वो कर देते हैं कोइनिक्स का गिरा, इसको टाटा पंच चाहिए, दो सीएनजी चाहिए, इसे एक सीएनजी में पेट नहीं भर रहा तेरा साले। भाई दिस इज द एंट्रेंस, मुझे नहीं पता अंदर क्या होने वाला, मैं देखने जा रहा हूँ यहाँ माल गाड़ी। भाई सारी सारी गाड़ियाँ लिखी है कौन से हॉल में कौन सी गाड़ी, सुपर कार, ये कार, वो कार, विंटेज बाइक, विंटेज कार, लेट्स एंटर टू हॉल नंबर, हॉल नंबर के हिसाब से डिसाइड किया है इन्होंने। भाई वो नीचे टायर पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। ये जा रही है इंडिया गेट भाई, बैठ ले, नोएडा टू इंडिया गेट, ये अक्षरधाम जा रही है, ये इंडिया गेट जा रही है। भाई लोग बैठ बैठ के ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कहा भाई बता दे भाई, ये इनके साथ क्यों बैठा है? पता नहीं क्यों बैठा हूँ मैं, पता नहीं क्यों भाई, लोगों से बड़े लोल कोई नहीं होते इस दुनिया, पता नहीं क्यों बैठे थे हम लोग हैं। भाई फाइनली अपन ने बदल लिए कपड़े, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ क्या बवाल है। भाई ये इंडिया के लायक ऐसा लग रहा है, देख के मैं ट्रांसफॉर्मर मूवी देख रहा हूँ, कितने बड़े टायर है इसके, कितना मजबूत है। भाई क्या लग रही है भाई, ये हवाई जहाज लग रहा है, लेफ्ट भाई मैं ये कह रहा था मुझे तो मोबाइल चार्ज करने वाला साथ था, मैं गाड़ी चार्ज करूंगा। साइड लुक तो इसकी डिफेंडर आ रही है ना, साइड लुक डिफेंडर आ रही है इसकी। Play with me like cats and a string. टाटा के तो कॉन्सेप्ट कार थी, उनमें तो थाई स्पेस ही नहीं था, मैंने कैसे बैठेंगे थे स्कूल डाल के। अभी अंदर काम चल रहा था उसमें, तूने वो लेबर लगी थी। आया हूँ भैया डायरेक्ट 12 नंबर हॉल में, सुपर कार देखनी है मुझे और कुछ नहीं। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऑटो एक्सपो के बाहर बर्नआउट मारना पड़ेगा, क्या जाते टायर बदलवाने का मन हो गया मेरा है। खत्म करते हैं, ये लोग वैसे बस में नहीं जाते, सारे के सारे बस में बैठ बैठ के ऐसे टेस्ट कर रहे हैं जैसे खरीदने जा रहे हो। कंफर्टेबल है क्या? हाँ फुल इलेक्ट्रिक भैया, ट्रकों में बैठ बैठ के देख रहे हो भैया, ये तो नहीं मानता भाई, नहीं मानता, कर दूंगा फाइनल भाई तेरे लिए एक ट्रक। हाँ इसके पापा से बात कर। हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा, बढ़िया लग रहा तो। हाँ बहुत बढ़िया भाई, ट्रकों में फोटो खिंचवा रहे हैं, अब मैं मेरा भरोसा उठ चुका है। सब छोड़ो भाई मैं दिखाता हूँ अब बवाल। ट्रक के बाद मुझे बस में बैठे बंदे दिखे हैं, जाऊँ क्या इसका वो कर दूँ भाई? यहाँ तक छोड़ दे भाई, इसका फ्यूचर सेट है, इसको ऑटो एक्सपो में आके इसका भविष्य मिला है। ओ भाई हाइब्रिड ट्रक भाई, बड़ा ट्रक भी नहीं है तो छोटे हाथी चला रहे हैं देखो। ये साले देखते नहीं होंगे बाहर इन्हें। ओ भाई मौज बांधी भाई। भाई सब ठीक है, हम अपनी गाड़ी पे ब्लैक फिल्म लगवाते हैं तो चलान। बैटमैन के टेम्पो है, हमें मिली है राजा जी की गाड़ी, बहुत पुरानी है भाई, बम बनाने की प्लानिंग चल रही थी। देखो इससे बढ़िया आपको अगर वो मिल जाए ना एयर बैग तो मुझे बताना। लोग गाड़ी सड़ा रहे हैं, ये पेंट बोल रहा था भाई। सब छोड़ो अब ये देखो, मैं भी एक आर्टिस्ट। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. मैं गया नहीं क्योंकि मुझे पता था मेरे को कपड़े बहुत प्यारे हैं, लेकिन भैया को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। भैया चिल बकास आदमी, देखो क्या कर गया। Everything is like a test. I better not text or I'll come. आ गया मजा, आ गया स्वाद। कुछ नहीं है इसको, साफ हुई पेंट का भी साफ हुआ है कपड़ों से, देखिए पूरे हाथ पैर हेलमेट। भाई अब हम लोग बस में जा रहे हैं, ये मनाली की लाइन है, लाइन देखो तुम बस, ये मनाली की बस की लाइन लगी हुई है इसकी भाई, लाइन लगाई हुई है भाई लोगों ने, भाई कितने खा लिए जीवन में। ओ भाई ये सब गाड़ी वाले ही बस। जितने लोग यहाँ है उतने ही लोग अंदर है, उतने ही लोग हर सेक्शन में, उतने ही लोग ट्रक के अंदर है, उतने ही लोग बस में बैठे हैं, उतने ही लोग सब जगह में, उतने ही लोग है भयंकर, क्या चल रहा है भाई देखना। ये आप बताओ मुझे कितनी पुरानी होगी ये, दिस इज जावा 1940
8 माय गॉड, बस यही अच्छी लगी मुझे और कुछ नहीं। मेरे दादा का स्कूटर ना इससे पुराना है, जहाँ वो विंटेज बाइक खड़ी है। ये देख कितनी पुरानी पुरानी, हम तो पहली बार देखी है। Stop better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead. भाई इंजन के नाम पे बैटरी रख दी जिंदा। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ सुपर कार के नाम पे वो दो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। चुल दे रहा बार बार, यहाँ देखें क्या है, यहाँ कुछ भीड़ सी है, कमर में दर्द हो गया। ये देखो ये भी सो रही है, बैठी हुई आंटियाँ, यहाँ सब आंटियाँ सो रही हैं। भाई आई फाउंड अ मोरनी, इसकी बात कर रहा हूँ, ये लगी थोड़ी सही मुझे यहाँ पे। देखो ये आया ना मैं सही सेक्शन में। एट लास्ट कुछ तो जिंदा बाइक दिखी है। एक भी बाइक का नाम सुना तूने? एक भी कंपनी है। थोड़ी देर में घर ले जाएंगे लोग। भाई पता नहीं है, मैं भाई कुछ हुआ, आई डोंट नो, जो भी बोलना है इसको। माइक वाइक लेके खड़े हुए, प्रॉपर सेट लगा लिया हमने अपना, अब हम अपनी मूवी शूट करने वाले हैं। नहीं यार, इन्हें कुछ एक दो डायलॉग बुलवाने थे मैम को, दैट्स इट, तो इसलिए आ गया। राहुल एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जैसा सुनने में आता ना कि ऑटो एक्सपो ऑटो एक्सपो। तेरे को कैसा लगा भाई, ऐसा कुछ था इसमें? जितनी भी ब्रांड्स थी बहुत कम थी, मुझे देखनी थी लैम्बोर्गिनी, बाइक 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 दिखा रहे, बाइक दिखा रहे। मैं यहाँ से जूम मार के दिखाता हूँ आपको इनमें कौन सी बाइक सबसे अलग दिख रही होगी। एक ही बाइक होगी जो अलग दिख रही है, जाएंगे बेबी चीता करेंगे स्टार्ट और करेंगे यहाँ पर रोड़ा। बस बेनेली की एक दो बाइक थी वो ठीक दिख गई, किसी को ट्रकों में और बसों में बैठ के बस घुस घुस के फोटो खिंचवानी है तो अच्छा था, मेरे हिसाब से तो मतलब नॉर्मल था। अरे भाई यहाँ से करते हैं टेक ऑफ और मैं बताता हूँ आपको एक मजे की बात, क्योंकि ऑटो एक्सपो वाली, अच्छा यहाँ नो एग्जिट है। ओहो हो, आपने दो कॉलम बना रखे हैं ना आना जाना। ऑटो एक्सपो से ज़्यादा रिएक्शन तो हम निकाल देते हैं। इसकी लोकेशन इतनी कैड हो रही है ये देखना। अच्छा हम बैक साइड से आ गए क्या? फक व्हेन वी गॉट आवर भूख का भाई, इसका जो फ्राई है ना अमेजिंग भाई। भाई क्या भूख लग रही है यार, ऑटो एक्सपो जिंदाबाद। भाई ये देख रहे हो, ये देखो तुम कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये मेरे को जबरदस्ती उठाया तूने बर्गर की। बता भी दे क्या क्या तूने बता दे। एक ना तिनका पैरी पैरी का मसाला खोल के डाल रहा था उसकी आंख में चला गया। ये हाल देखा आपने, ये काम है भाई, इतना कर्मकांडी लौंडा मेरी आंख में ना ऐसे, मैं वो शेक कर रहा था बोले तो, ये पैरी पैरी मसाला जो था और कोई चटक सा तिनका एकदम आंख में जा गिरा पैरी पैरी, और मैंने उस ऐसे ऐसे करने की कोशिश की ना तो वो अंदर ही अंदर घुलता चला गया। वो तो बहुत चटक नहीं घुल जाता, वो घुलता कर इतना बड़ा गाली देता मैं इसे, पता है मेरी आवाज भी नहीं निकली। फिर मैंने इसको गिलास उठाया, शुक्र है गिलास था, कहता मेरा गिलास झूठा है भाई, मैं पेप्सी से भी धो लेता मेरी आंख के बाद। और भाई मजदूर क्या हाल है भाई, लैम्बोर्गिनी नहीं देखी तूने भाई, क्या गाड़ी है लैम्बोर्गिनी भाई, क्या गाड़ी है, मतलब वो तो मतलब ऐसा समझ लो जैसे कि कन्वर्टेबल गाड़ी फरारी। मोटे की किस्मत खराब थी, अदरवाइज इसको लैम्बो, और मेरे को फेवरेट जो लगी ना वो फरारी कन्वर्टेबल, बैंग कर ऐसे खुली स्पाइडर। 1500 रुपए
बर्बाद, पैसा बर्बाद हो जाता। आप लोगों को भी अगर देख रहा हूँ ना ऑटो एक्सपो में जाके, लाइक कन्वर्टेबल गाड़ियाँ और कन्वर्टेबल सब कुछ, भाई मॉन्स्टर ट्रक, भाई मॉन्स्टर ट्रक, भाई वो जो वो था ना क्या बोलते हैं वो जो ट्रांसफॉर्मर वाले ट्रक, तो आपने यूट्यूब चैनल पे रोने जैसी शक्ल होगी तेरे, तेरी ऐसा लगता ना भाई। हम तो इनटू द कार वाले बंदे हैं नहीं, हमें तो फॉर्च्यूनर पसंद है हिंदी में, हम वो वाले बंदे तो है नहीं। ओ माय गॉड, इस गाड़ी के टायर कौन से, इस गाड़ी के रिम कौन से, माय गॉड दिस कार हैज इतना ये इतना वो फलाना ढिमकाना घंटा, हमें देखनी थी स्पोर्ट्स कार। अब भाई मजा आ गया, पोर्शे खड़ी थी, बेंटले खड़ी थी, यही घूमते रहते नीचे भाई। वहां पे ना दो बंदे थे, एक मॉरिस गैराज बोले तो एमजी एक्टर वाले एमजी, और एक टाटा जिन्होंने वहां पे मतलब सब चीज डाली हुई थी। कोई हो ना हो ये चुल्लर आदमी बिल्कुल चुल में रहता, पता नहीं क्या चुल्ला इसको फाड़ दे और सारा शूरी। वहां पे मैं सच कह रहा हूँ स्कूटी बाइक वाइक सब ठीक थी, वहां इलेक्ट्रिक कंसोल जाता वो ज्यादा था। लाइक और भाई कैसा कुत्ता पाला है ये, टेक केयर एंड हमारी जर्नी हम करने वाले शुरू। मैं सिर्फ इसी ऑटो एक्सपो के चक्कर में रुका हुआ था, कुत्ते कमीने हट जाए यहाँ से। इलेक्ट्रिक क्या देखेगा तू, टेस्ला इंडिया में है नहीं वो, मंगा तो बढ़िया टेस्ला।